हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल प्रैक्टिस 6G करवाऊंगी। ये 6G एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 to 19 ऑलरेडी करवा दी हैं। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन 20 करते हैं। देखो ये सारे ही 3 की टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले हम 3 को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 10t स्क्वायर देन प्लस 13t देन माइनस 3। ओके, अभी जैसे हम पहले करते थे, यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 10, 3 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 30। और जो ये 3 था नेगेटिव था, तो 30 नेगेटिव है। अभी 30 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करने पर पॉजिटिव 13 बनता हो। 2 की टेबल में 30 आता है 15 जापे, ठीक है। और हमें बड़ा नंबर क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, छोटे नंबर नेगेटिव रखेंगे। जब हम नेगेटिव 2 को ऐड करते हैं 15 से तो हमारे पास पॉजिटिव 13 आता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा का मैं रब कर देती हूँ, देन हम आगे करेंगे। जो 3 ब्रैकेट के बाहर है उसको ऐसे ही रखते हैं, अंदर क्या आता है 10t स्क्वायर, और 13 की जगह पे हमें क्या रखना है, नेगेटिव 2t प्लस 15t लास्ट में 3, ठीक है। देखो ये दोनों मिलकर 13t ही बना रहे हैं। ओके, चलो अभी आगे करते हैं। अभी हम ना, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लूँगी क्योंकि अंदर हमने राउंड ब्रैकेट भी लेना पड़ेगा। इन दोनों के पास कॉमन क्या है, दोनों ही 2 की टेबल में आ रहे हैं और दोनों के पास टी भी है। 2t हमने राउंड ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया, 5t माइनस 1। यहाँ इनके पास देखो कॉमन क्या है, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं तो हम यहाँ से 3 निकालते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, 5t माइनस 1। दोनों ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ओके, अभी हम अपना आंसर लिखेंगे। देखो ये जो 3 है ये तो ऐसे ही रहेगा, एक ब्रैकेट में क्या आएगा, दोनों के पास जो कॉमन है 5t माइनस 1, और एक ब्रैकेट में यहाँ से 2t और यहाँ से पॉजिटिव 3। जैसे हमने क्वेश्चन 20 किया था ऐसे ही इसको करेंगे। देखो इनके सबके पास कॉमन क्या है, देखो सभी 5 की टेबल में आते हैं और सबके पास देखो x की पावर भी है, यहाँ x की पावर 2 बाहर निकालते हैं तो हमारे पास राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे, यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव 15। नेगेटिव 15 के ऐसे फैक्टर देखते हैं जिनको ऐड करने पर हमारे पास नेगेटिव 2 बचे। 3 5 जा होता है 15, हमें नेगेटिव 2 चाहिए, मतलब बड़े वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए। 5 नेगेटिव रहेगा और 3 हमारा पॉजिटिव रहेगा। चलो अभी एक्स्ट्रा काम मैं रब कर देती हूँ, आगे करते हैं। 5x स्क्वायर देन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, 3x स्क्वायर, इसको नेगेटिव 2 को हमें कैसे दिखाना है, पॉजिटिव 3x नेगेटिव 5x के रूप में, पीछे क्या है नेगेटिव 5, ठीक है। 5x स्क्वायर, अभी मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगी। देखो इनके पास कॉमन क्या है, दोनों के ही पास 3x है, 3x को राउंड ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो अंदर रह जाता है x प्लस 1। अभी देखो इनके पास कॉमन क्या है, दोनों के ही पास नेगेटिव साइन है और दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, नेगेटिव 5 बाहर निकाल लिया तो राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 1। दोनों ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अभी हम लास्ट में अपना आंसर लिखेंगे। 5x स्क्वायर और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से 3x, यहाँ से नेगेटिव 5, 3x माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में जो दोनों के पास कॉमन है, x प्लस 1। ओके जी, आपको पता ही होगा कि ये ब्रैकेट आगे भी आ सकता है, ये पीछे भी आ सकता है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 22 करते हैं। देखो यहाँ इनके पास कॉमन सिर्फ x है, आप x को ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हो, अंदर रह जाएगा 14x स्क्वायर माइनस
57xy - 27y². अभी हम यहाँ से 14 लेंगे, यहाँ से 27 लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? -378। इसके ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करने पर -57 आता है। देखो 63 को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है 6 के साथ तो 378 आता है। ठीक है, हमें नेगेटिव बड़ा नंबर चाहिए तो बड़े वाले नंबर के सामने नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा काम मैं रब कर देती हूँ, देन हम इसको आगे सोल्व करेंगे। एक्स ब्रैकेट 14x², इसको हम क्या रखेंगे? -63xy और +6xy के रूप में, और पीछे क्या रह जाएगा हमारा? -27y². ठीक है, अभी हम मैं लेऊंगी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इनके पास कॉमन क्या है? दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं और दोनों के ही पास एक्स है। 7x बाहर निकाल लिया तो अंदर रह जाएगा 2x - 9y। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये आ गया। और इनके पास कॉमन क्या है? देखो दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास ही वाई है, 3y बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? 2x - 9y। अभी हम आगे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो रहेगा एक्स ही। यहाँ पे देखो ये दोनों कॉमन फैक्टर है, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2x - 9y एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ से 7x, यहाँ से +3, 7x + 3y। ठीक है, अभी हम ये ना स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं, एक्स आगे ही लगा रहेगा, 7x + 3y, और पीछे क्या है? एक ब्रैकेट में 2x - 9y। क्वेश्चन 23 करेंगे, यहाँ से देखो नेगेटिव साइन और सबके पास ना एक्स है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इट मीन्स नेगेटिव एक्स हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह जाता है? +3x² - -16x + 16। ओके, अभी 3 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आता है। ठीक है, 48 के अब ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करने के बाद -16 आता हो। 12 4 जा होता है 48, दोनों ही नेगेटिव रहेंगे तब जाके हमारे पास -16 आएगा। -12 + -4 = -16। ये एक्स्ट्रा का मैं रब कर देती हूँ, देन आगे करेंगे। नेगेटिव एक्स बाहर रहेगा, 3x², यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -12x - -4x + 16। ठीक है, नेगेटिव एक्स को बाहर ही रहने देते हैं। अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, इनमें से दोनों में कॉमन क्या है? 3 भी है और एक्स भी है। 3x बाहर निकाला तो अंदर रह जाता है x - 4। इनके पास कॉमन क्या है? देखो दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, -4 हम बाहर निकालेंगे तो अंदर रह जाएगा x - 4। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ओके, अभी हम अपना आंसर लिखते हैं, यहाँ से हमारा आएगा -x, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, एक कॉमन फैक्टर है, अब वो वाला ब्रैकेट लिख देते हैं x - 4, और एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ से 3x, यहाँ से -4। क्वेश्चन 24 करते हैं, यहाँ पे ना हम नेगेटिव साइन आपको आगे दिखाई दे रहा होगा, इसको बाहर निकाल देते हैं, साथ में हम x^2 भी निकालते हैं। देखो सभी के पास है पावर x की, है ना, तो अभी अंदर क्या रह जाता है? ये जो नंबर है इनके सबके साइन चेंज होंगे, +4x^2, +4x, -15। ठीक है, देखो यहाँ से 4 लेते हैं, यहाँ से -15, जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -60। अभी -60 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारे पास 4 बचता हो। ठीक है, 10 6 जा होता है 60,
हमें बड़े वाला नंबर पॉजिटिव रखना है क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव बच रहा है, तो हम 6 को नेगेटिव लेंगे, ठीक है जी। 10 माइनस 6 तो हमारे पास 4 आता है। ये एक्स्ट्रा का मैं रब कर देती हूँ, देन हम आगे करते हैं। नेगेटिव एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 15, ओके जी। नेगेटिव एक्स स्क्वायर, अभी हम लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इनके पास कॉमन क्या है, देखो 2 भी है, दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास x है। 2x को हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे अब हम, तो यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 5, ओके जी। इनके पास कॉमन क्या है, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अभी हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं। नेगेटिव एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से 2x, यहाँ से नेगेटिव 3, 2x नेगेटिव 3, और एक ब्रैकेट में जो कॉमन है 2x प्लस 5। क्वेश्चन 25 करते हैं। सबसे पहले हम x को बाहर निकाल लेते हैं, तो 56 एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 56 बचेगा, ठीक है। अभी हम 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो आएगा 3136। अब इसके ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करने पर हमारे पास पॉजिटिव 15 आए, तो हम क्या लेंगे 64 × 49। बड़ा वाला नंबर हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, छोटे वाला नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव 3136 आता है, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 15 आता है। ये एक्स्ट्रा काम मैं रब कर देती हूँ, देन आगे करते हैं। यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक्स ही रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कितना रहेगा 56 एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स प्लस 64 एक्स माइनस 56, ओके जी। अभी मैं लूँगी स्क्वायर ब्रैकेट, और देखो यहाँ इनके पास कॉमन क्या है, दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, दोनों के पास एक्स है, 7x को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या रह जाएगा 8x माइनस 7। इन दोनों के पास कॉमन देखो, दोनों ही 8 की टेबल में आते हैं, तो 8 बाहर निकालेंगे हम, अंदर क्या रह जाएगा 8x माइनस 7, दोनों ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अभी हम अपना आंसर लिखेंगे। x आएगा और जो कॉमन है वो एक ब्रैकेट में आएगा 8x माइनस 7, और एक ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से 7x, यहाँ से पॉजिटिव 8, 7x प्लस 8। क्वेश्चन 16 करते हैं। देखो इनके पास सभी के पास x टू द पावर 2 है, ये बाहर निकाल लेते हैं हम, तो अंदर रह जाता है 32x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 5y स्क्वायर, ओके जी। अभी यहाँ से लेंगे 32 और यहाँ से नेगेटिव 5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है नेगेटिव 160। इसके ऐसे फैक्टर देखते हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारे पास 12 आए। 20 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 आता है। हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए, मतलब बड़े वाला नंबर पॉजिटिव रहेगा, छोटे वाला नेगेटिव। 20 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। ये एक्स्ट्रा काम मैं रब कर देती हूँ, देन आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 32 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमें क्या लेना है 20xy माइनस 8xy माइनस 5y स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो अभी आगे करते हैं। अब यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, इनके पास कॉमन क्या है, देखो दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास x है, 4x को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या रह जाता है 8x प्लस 5y, ओके जी। अभी यहाँ देखो दोनों के पास नेगेटिव साइन है और दोनों के पास y है, y के अलावा कुछ बाहर नहीं निकलेगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 8x प्लस 5y, दोनों ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अभी आंसर और लिख देते हैं हम।
एक्स स्क्वायर आएगा सबसे पहले, एक ब्रैकेट में आएगा 4x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में क्या आएगा जो दोनों के पास कॉमन है 8x प्लस 5y। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, किसी को भी हम बाहर नहीं निकालेंगे, तो हम आगे से लेते हैं 30 और पीछे से लेते हैं 36। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 आता है। अब इसके ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करने पर 78 आता हो। 60 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 से तो हमारे पास 180 आता है, और इनको ऐड करके हमें चाहिए 78। दोनों ही नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव 60 नेगेटिव 18 इक्वल टू नेगेटिव 78। ओके जी, ये एक्स्ट्रा काम मैं रब कर देती हूँ, देन आगे करते हैं। 30m² - 60mn - 18mn + 36n², ठीक है, इनके पास कॉमन क्या है, देखो दोनों ही 30 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास m है, 30m हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर रह जाएगा m - 2n। ओके जी, इन दोनों के पास देखिए, दोनों के पास 18 है और दोनों के पास n है, नेगेटिव 18n निकालेंगे, देन अंदर आएगा पॉजिटिव m नेगेटिव 2n। ओके जी, अभी जो कॉमन फैक्टर है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं m - 2n, और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ से 30m - 18n। ओके जी, 30m - 18n, यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है। आप इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हो, देखो ये दोनों ही फैक्टर 6 की टेबल में आते हैं, तो 6 को ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या रह जाएगा 5m - 3n। ओके जी, पीछे वाला ब्रैकेट एज इट इज रख देते हैं। आप लोगों की सेल प्रैक्टिस 6G कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।